शायद अब सोच रहे होगे कि मैं लूना से कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कन्याकुमारी के लिए कश्मीर से साइकिल से निकला था। एक सेकेंड, कहीं मैं अपने सब्सक्राइबर की आंखों में धूल झोंक कर कन्याकुमारी साइकिल से ना जाकर लूना से तो नहीं जा रहा? नहीं नहीं नहीं, मैं कन्याकुमारी साइकिल से ही जाऊंगा। लेकिन मैं अभी हूँ कहाँ और ये लूना किसका है ये मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो पूरी रात भैया लोग के साथ बिता कर अगली सुबह इन सबों को बाय बाय बोलकर मैं वापस से निकल पड़ता हूँ अपनी मंजिल की ओर। फिर कुछ किलोमीटर तक लगातार साइकिलिंग करने के बाद 8:35 में एक अच्छे से होटल में रुककर अपना पेट पूजा करता हूँ। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि खाने के मामले में साउथ इंडियन फूड को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। फिर यहां के बाद 9:35 में रुककर मैं नारियल पानी का सेवन करता हूं। आज शॉर्टकट के चक्कर में गूगल मुझे ऐसे रास्ते से लेकर जाता है जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। मेरे को बाहर निकालो। फिर करीब 3 घंटे तक लगातार साइकिलिंग करने के बाद एक जगह मैं पपीता खाने के लिए रुकता हूँ, जहाँ मेरी मुलाकात होती है दादा से, जो मुझे अपने पास बैठा कर काफी लंबा लंबा फेंकते हैं। फिर ये मुझे अपना लूना चलाने को देते हैं, जो कि इन्हें दहेज में मिला था। मेरा उम्र कम मत दोनों।